लोकसभा में तीखी बहस के बीच नागरिकता संशोधन बिल पेश हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल को पेश किया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल देश के हित में नहीं है। राशिद अल्वी से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी फरहा खान ने। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमित शाह ने बिल पेश कर दिया है तो उसको किस तरीके से देखें? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर जा रही है वो देश के हित में नहीं। हमारा संविधान सेकुलर संविधान है, धर्म निरपेक्ष संविधान है। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने इस देश को सेकुलर देश बनाया था, और वो लोग जो उस वक्त अंग्रेज़ के साथ खड़े थे आज उनके हाथों में सत्ता है और वो इस संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं। धर्म की बुनियाद पर हमारे देश में कोई फैसला नहीं हो सकता कि इस धर्म के आदमी को नेशनलिटी मिल सकती है, इस धर्म के आदमी को नेशनलिटी नहीं मिल सकती। इसका पूरा देश निंदा करेगा। कांग्रेस ने लगातार गैर बीजेपी जितनी भी पार्टियां थी उनसे बात की है और उसका लगातार विरोध करते आए हैं, लेकिन बिल पेश हो चुका है, तो अब क्या? देखिए, जाहिर है लोकसभा के अंदर उनके पास बहुत मेजोरिटी है, उन्हें पास करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए। और ऐसे वो लोग, चाहे उसके अंदर रामविलास पासवान शामिल हो या इसी तरीके के दूसरे लोग जो उम्र भर सेक्वलिज्म की बात करते रहे, उनको चाहिए कि इकट्ठा होकर इस बिल की मुखालफत करें। तो जैसा आपने कहा कि लोकसभा में तो हो गया लेकिन राज्यसभा में थोड़ी दिक्कत सामने आ सकती है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ को लेके कि विपक्ष जो है वो साथ नहीं देगा? देखिए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हम लोग उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष इकट्ठा हो और संविधान को बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं फराह खान, R9 TV, दिल्ली।